अगले साल इसको दाखिला मिल जाएगा, लेकिन इसने फोटोग्राफी नहीं छोड़ी है और इसकी इसका फोटोग्राफ खींचा हुआ बाहर जो प्रदर्शनी लगी है झोपड़ी में, वहां आप जाके देख सकते हैं। अभी आप जो लोग थे यात्रा में, सद्भावना यात्रा में, आपकी फोटोग्राफ्स इन लोगों इन्होंने लिया है और एक एक फ्रेम देखने लायक है, बड़ी ही खूबसूरत है। तो आगे पत्रिका में और अलग अलग जगहों पर इनकी खींची हुई चीजें छपेंगी। हम लोग भी कोशिश करें कि क्या कोई एक हुनर पकड़ सकते हैं जिसमें हम मास्टर हो जाए। जैसे ये फोटोग्राफी इसने चुना, पढ़ाई भी चलती है और फोटोग्राफी भी चलती है। तो आप भी पढ़ाई के साथ साथ कोई एक हुनर खोज लो जिसमें तुमको पारंगत होना है, जिसमें तुमको पहचान हासिल करनी है, जिसमें तुमको लगे कि हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, वो काम करना है। एक और काम करोगे पढ़ाई के साथ तो वो तुम्हारी पहचान बनाएगी। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ रहे हैं, सारी पूरी दुनिया पढ़ाई के पीछे लगी हुई है, लेकिन पढ़ाई के इधर अलग आप अलग कैसे हैं? अपने किरकारी में भी इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज जो तीन लोग आ गए वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने काम किया और वहां तक पहुंच गए। तो उन्होंने अलग से अपने आप को रेखांकित किया, पहचान दिलाई। तब अब इनसे सवाल पूछते हैं कि इन्होंने कैसे शुरुआत की। पहले तो अपना नाम बताओ। माय नेम इज प्रभात रंजन। वाह, मेरा नाम राजीव रंजन और तुम्हारा नाम? वाह, प्र में से प्र, अगर प्रभात में से प्र हटा दे तो क्या बच जाएगा? भात रंजन। तो छोटा सा दाना प्रभात। अब प्रभात, तुमने शुरुआत कैसे की, पहली बार कैमरा कैसे पकड़ा? जब पापा हाथ में कैमरा लिए थे तो मैंने पूछा कि क्या है, पापा ने जवाब दिया कैमरा। तो मैंने पूछा ले सकता हूँ क्या, तो पापा ने बोला हाँ और डरते हुए मेरे हाथ में कैमरा दिया, तभी मैं सीख पाया। बा अपना भी विश्वास होना चाहिए ना, तब ना पापा कैमरा देंगे हैं? इसका अपना विश्वास है कि हम बढ़िया कर सकते हैं, तो पापा ने कैमरा पकड़ा दिया। अब इनके पापा को खोजते हैं कि इस हॉल में इनके पापा कहाँ हैं? कोई बता सकता है कहाँ हैं इनके पापा? यहाँ हैं। तो पापा के लिए ताली बजा देंगे। पापा का नाम बताओ। पापा का नाम भी राजीव रंजन है। एक राजीव रंजन यहाँ, एक राजीव रंजन वहां, और इधर प्रभात रंजन और उधर सोए हुए हैं प्रखर रंजन। तो रंजनमय हो गया है पूरा पूरा। नहीं, अच्छा ये बताओ कि तुमको किस किस तरह का कैमरा छूने का मौका मिला है, उसे फोटोग्राफी करने का मौका मिला? बहुत सारे कैमरे मिल चुके हैं, जैसे R6, 5D और 80 और सोनी अल्फा, बहुत सारे कैमरे मिले हैं। तो इसमें कैसे प्रयोग करते हो, लेंस का प्रयोग कैसे करते हो, बिना लेंस का कैसे? जैसे ये लेंस है, मुझे इसे घुमाना है तो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ से और ऐसे घुमाता हूँ। ये फ्रेमिंग तुम्हारी है, फ्रेमिंग कैसे बनाते हो, सुंदर फ्रेमिंग कैसे तुमको दिखता है कि ये सुंदर मेरी फ्रेमिंग होगी? किसी को फोटोग्राफ अगर करना हो तो क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं फोटो एडिशन में और मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ, तभी मैं अच्छे खींच पाता हूँ। अब ये बताओ कि किस किस बड़े आदमी के साथ तुमको फोटो खींचने का मौका मिला है? शेखर सुमन, मिनिल सुमन और विद्यु जमाल। अब आगे काम करना है और अच्छा काम करना है, तो ताली बजाए आपके लिए। अब इन सारे लोगों का एक फोटोग्राफ निकालना है, कैसे निकालोगे, कहाँ से? सब लोग बैठे रहो आराम से, ठीक है? दोनों हाथ ऐसे उंगलियां दोनों निकालिए, सब लोग। सर क्या होना चाहिए? सर आप भी घूम जाइए, सर आपका भी पीछे, आपका भी फोटो आ जाएगा। मेरा सिर ले लेगा पीछे। सर आ जाइए आप भी इधर। चल हाँ।
सब लोग आ रहे हैं ना, तुम अपने आप में फोटोग्राफ लग रहे हो अभी। हो गया है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाएंगे वहां पे वाले भी होगा, कोई छूटेगा नहीं। ये सेंस, ये तरीका होता है कैसे आप सोचते हैं और कैसे फोटोग्राफ निकालते हैं। तो अब मान लो तुम्हारे पास ये कैमरा नहीं हो, तो घर में मोबाइल है ना, अब सब लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल से फोटोग्राफी कर सकते हैं, सुंदर फोटोग्राफी, और हड़बड़ाओ नहीं, तुरंत कैमरा ऑन किए और फ्रेम भी लाइक तुरंत क्लिक मत करो, थोड़ा सा देखो कि तुम्हारा फ्रेम बढ़िया बन रहा है कि नहीं, तब क्लिक करो। दोस्तों के लिए देना चाहता हूँ कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ और कर सके और एक्स्ट्रा खुद को दे और एक्स्ट्रा दुनिया को दे सके।